आज है महाअष्टमी और आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अभी तैयार हो चुका हूं और अब जा रहे हैं मंदिर। मंदिर में जाके पुष्पांजलि देना, उसके बाद आरती होगा और आगे जो भी कार्यक्रम होगा सारा कुछ देखने को मिलेगा आपको यहीं पर। तो चलिए व्लॉग को प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। तो आप लोगों ने देखा अभी माता रानी के यहाँ सबों ने पुष्पांजलि दिया और अब जो है आरती प्रारंभ हो चुका है। आरती होने के बाद सबों ने जो है यहाँ पर ढोल की धुन पर, ढाक की धुन पर डांस किया और अब हम आ चुके हैं फिर से जो पूजा होगा संधि पूजा, उसके लिए फल वगैरह खरीदने के लिए हम और दीदी दोनों यहां पर आ चुके हैं सूरज के दुकान में। तो फल लेकर चलेंगे घर। तो मैंने आपको दिखाया था सुबह के समय किस प्रकार से पुष्पांजलि हुआ, आरती हुआ, उसके बाद सबों ने इंजॉय किया और अभी संधि पूजा हो रहा है। कुछ ही देर में जो है संधि पूजा समाप्त होने वाला है। तो चलिए अभी दिखाते हैं किस प्रकार से संधि पूजा होता है। महाअष्टमी का जो पूजा होता है मेन पूजा, वो पूजा अभी चल रहा है मंदिर में। संधि पूजा के बाद एक बलि होता है, वो भी यहाँ पर हो चुका है। तो ये हम नहीं दिखा सकते हैं जिस कारण से मैंने नहीं दिखाया। और अब जो है शाम के समय माता रानी का जो आरती है वो आरती होने वाला है। उससे पहले आप देख सकते हैं जो भी ढोल वाले यहाँ पर बजा रहे हैं सबको गुप्ता जी ब्लॉग्स की तरफ से जो है टी शर्ट भी दिया गया था, सबको यही पहन के ढोल वगैरह बजा रहे हैं। और कुछ इस प्रकार का जो है अभी नज़ारा है माता रानी के दरबार का, हम लोगों के वैद्य समाज के जो मंदिर है वहाँ का। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, वो भी आगे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो है सबों ने पुष्पांजलि दिया, अब माता रानी का आरती प्रारंभ हो रहा है। तो चलिए एक झलक में आपको आरती भी दिखा ही देता हूँ माता रानी का। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो चुका है, बहुत सारे बच्चे इसमें भाग लेंगे। तो आप लोग भी पूरा कार्यक्रम देखिए, मैं आपको कुछ ही भाग दिखा पाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट का भी इशू रहता है जिस कारण से मैं पूरा डांस नहीं दिखा सकूंगा। तो देखिए और आप लोग भी इंजॉय कीजिए। पुरस्कार देखें, ये पुरस्कार गुप्ता जी ब्लॉगर तरफ से के गुप्ता जी ब्लॉग माने आशा करें अनेक ही जानें, अनेक ही जानें ना, ये एक यूट्यूब चैनल, ये जॉय हमारे और तो ये बहुत अच्छी बोला जाए, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें नहीं, एक तो प्रचार कर दी गुप्ता जी ब्लॉगर, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें नहीं अखन अब दी देखें तारा निश्चय सब्सक्राइब कर लाइक कर ताकि आरो आगे बढ़ाने जन्नो। धन्यवाद गुप्ता जी ब्लॉग।
শিল্পী হাত তালি যেন বন্দনা হয়। অনেক অনেক ধন্যবাদ অদ্রিজাকে। এবার আসছি দ্বিতীয় পুরস্কারে। দ্বিতীয় পুরস্কার যে পেয়েছে সেও একজন ছোট্ট শিল্পী, সৃষ্টি চৌধুরী। সৃষ্টি চৌধুরী দ্বিতীয় পুরস্কার, জোরে হাততালি হয়ে যাক। স্যার যে পেয়েছে আপনারা হয়তো একটা আন্দাজ করে ফেলেছেন আগে, কিন্তু তাও আমি নাম ঘোষণা করছি, জিৎ সরকার। এই তিনটে কিন্তু খুব ভালো কন্টেস্ট হয়েছে, কাছাকাছি নম্বর। একটা জোরে হাততালি হয়ে যাক জিৎ সরকারের জন্য। आज का महाअष्टमी का ब्लॉग और बच्चों के प्रतिभा को आगे बढ़ाने का ये हम लोगों का प्रयास, आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गुप्ताजी ब्लॉग्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, हम आगे इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा। तो ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय माता दी, जय माँ दुर्गा। Yeah.